चलो ठीक है, मैं चलो ठीक, चलो ठीक है मैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी टाइम हो रहा है 5:48 और ये देखो हालत दिल्ली में। अभी हमने कहाँ पे, हम नोएडा के पास है। अभी तो हम नोएडा में ही हैं और यहाँ पे लग चुका है जाम अभी से, और समझ नहीं आ रहा कुछ नहीं निकल मैं कहीं फिर नहीं निकल गई, मतलब रास्ते में और जाम ना मिल जाए। पूरी दुनिया हिल स्टेशन ही भाग रही है लग रहा है। पहुंच गए हैं पता नहीं कहाँ, बस के उतार रखे हैं इधर और इधर, ये मोदी नगर हापुड़ रोड है, पता नहीं अब कितनी देर लगेगी मोदी नगर पहुँचने में। अब तक आप व्यू देख लीजिए, सनराइज होया है, भूख लग रही है अभी तो नहीं लेकिन जहाँ भी लगेगी वहाँ खाएंगे। यहाँ तो लग नहीं रहा सर कुछ खाने के मिलने के, क्योंकि आसपास खेतों से ही तोड़ के खाना पड़ेगा। चलो भाई सब कुछ कुछ मिलता है खाने वाने को, रुकते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ओके हाय गाइस, अब 7:30 बज गए हैं और अब हम थोड़ा सा रुकेंगे आगे 10-15 मिनट बाद कुछ खाने के लिए। वैसे तो भूख नहीं है, है वो भूख तो लग रही थी लेकिन हमने खा लिया एक स्नैक, और वो स्नैक्स है मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो गाइस, ये हमारा स्नैक्स का भंडार है और अभी जो हमने खाया वो ये है। ये कोई नहीं खाता होगा, सिर्फ हम दोनों ही खाते हैं। जो खाते हो लाइट एंड टेस्टी। तो भाई हम आ चुके हैं फाइनली हल्दीराम, ये रहा पर चले। पहले हम बीकानेर चले गए थे और वहाँ पे पता चला छोले भटूरे ही नहीं है, और मिठाई वाला तो नहीं है ना, भाग के वापस आ गए। रेस्टोरेंट तो लिखा है। आप कब इसके पास ही हो? छोले भटूरे मिल गए हैं फाइनली। हाँ, अब आएगा तो देखते हैं कैसा टेस्ट है। सही लग रहा है वैसे। वैसे ये बीकानेर से बेटर है लेकिन भीड़ वहाँ ज़्यादा थी, क्योंकि ये बहुत छुपा छुपा सा है, दिखता नहीं होगा। हम तो मैप लगा के आए। अब देखते हैं यहाँ पे काउंटर नंबर 4। लेट्स वेट गाइस, मेरा डोसा भी आ गया और भटूरे तो फिनिश भी होने वाले हैं। सही थे, बढ़िया। अब ये टेस्ट करते हैं। सो गाइस, हो गया हमारा खाना पीना, निकलते हैं अब हम फटाफट से। अब हम चल पड़े हैं, चले फिर सीधा डेस्टिनेशन पर ही मिलेंगे हम। कौन से कहाँ जा रहे हैं? क्या हमने आपको बताया हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं भीमताल, और अब यहाँ से 4.5 घंटे का रास्ता और, तो हम आपको वहीं पे जाके मिलेंगे। क्या आज कब मेरा आ रहा है? बाय। सो गाइस, अब 10 बज गए हैं और अराउंड 100 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है अभी भी, और खेत वेत अभी भी आ रखे हैं। हम पहुँच गए हैं रुद्रपुर और यहाँ पे हमारी रहती है एक मौसी जी। आपको पता है उनका घर? अब याद है? अभी आगे जाके आएगा तो वो भी रहती हैं। अगली बार हम मम्मी पापा के साथ आएंगे ना, तब उनके साथ मिलेंगे। अभी हम यहाँ से क्रॉस करेंगे और फिर जाएंगे हल्द्वानी की साइड, है ना? बहुत लंबा रास्ता है और अभी रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। सुबह 4:30 बजे के निकले हुए हैं, थक गए हम। हाय गाइस, हम पहुंच गए हल्द्वानी और देखो जरा नज़ारे यहाँ के,
रोड देखो कितनी बढ़िया रोड लग रही है, सुंदर। ये बड़े बड़े पेड़ ऊपर तक, राइट में भी और लेफ्ट में भी, और जंगल है ये पूरा। चिरचिर की आवाज भी आ रही है मुझे रात को आती है। किसकी होती है वो आवाज? झिंगल झिंगल झिंगुर झिंगा तो मछली होती है। ये देखो पेड़, पता नहीं किस चीज के पेड़ होते हैं। और यहाँ पे हमारे सिग्नल विग्नल भी चले गए, हम गाने भी नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन सही लग रहा है। सही है ना? चलो भाई जल्दी तो पहुंच गए, बस अब अराउंड 45 किलोमीटर पहाड़ी एरिया बचा है, बस जल्दी पहुंचते हैं हम। सो गाइस अगेन एक चेक है हमारा, 12 बज गए हैं और अब हमें पहाड़ दिखना शुरू हो गए हैं, आप भी देख सकते हो। बस अब एक घंटे का रास्ता है, 25 किलोमीटर, और आप कुछ गाना गा रहे थे, कुछ गाओ। क्या गा रहे थे आप? आप तो गए रही थी कुछ और बना बना के गाने। तो भाई पहाड़ देखने लग गए हैं और बस एक्साइटमेंट हो रही है, कब हम पहुंचे और सो जाएं। चलो अब नेक्स्ट हम सीधा होटल में मिलेंगे भाई। एंट्री है, कबर्ड्स वगैरह, ये आपका हो गया रनिंग बाथरूम, और सबसे सही है इसका बेड। ये देखो राजा महाराजा वाला बेड है, और ये ऊपर पूरा वुडन रूफ, और उससे भी सही है इसका व्यू, मैं आपको दिखाती हूँ उसकी बालकनी। ये देखो यहाँ पे सिटिंग का है, पूरा इसका 60 डिग्री तो नहीं लेकिन 180 डिग्री पहाड़ी पहाड़ है। अभी थोड़ी सी धूप है तो अभी हम अंदर जाते हैं और रेस्ट करते हैं। सही है फिर, बढ़िया। चलो ठीक है गाइस, बाय। हाय गाइस, शाम हो चुकी है और हम तैयार होकर निकल गए थे होटल से, और हम यहाँ लेट तक पहुँच रहे हैं। पैदल पैदल थोड़ा सा दूर था, दूर नहीं है ज़्यादा, हाँ 300-400 मीटर होगा। अब यहाँ से देखते हैं, ये तो स्टार्टिंग है लेक की, अभी आगे तक लेक है। वो तो नौकुचिया ताल है। दिख रही है घास जैसी हो रही है, घास जैसी। चलिए फिर ढूंढे कुछ, मौसम बताओ पहले, ठंड लग रही है कि नहीं? हिल स्टेशन जैसा तो कुछ नहीं हो रहा अभी, देखते हैं शाम तक कैसा वेदर रहता है। बोटिंग करने जा रहे हैं हम, बैग देना तो दे दो मुझे। अब आराम से हिला के देखो उसको। कल अगर जाएंगे तो बीच में कैफे है एक,
ले जा रही है 300 रुपये में। मम्मी का फोन है, वापस जा रही हूँ। वहाँ से ली थी हमने बोट। सनसेट हो गया, इतने अच्छा लग रहा है। फोन गिरा दो। अब थोड़ा सा ठंडा लग रहा है सुबह से। तो गाइस अब हम आ गए हैं बोटिंग करके, मजा आया है ना। कल हम पैडल वाली ले लेंगे और आधे घंटे के लिए घूमते रहो उसमें आराम से सेम रेट में। अभी हम यहाँ बैठे हैं बिल्कुल टॉप में, नीचे रोड है, आगे जाके व्यू दिखा। नीचे रोड है, यहाँ बैठने का है और यहाँ पर ये व्यू है। जैसे बड़ी लेक, यहीं हम घूमने गए थे। यहाँ बैठ के एकदम सही लग रहा है और थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलेंगे फिर थोड़ा आगे की ओर। तो गाइस अब हम पहुँच गए वापस अपने होटल, यहीं पर ही खाएंगे इसी के रेस्टोरेंट में, क्योंकि बाहर कुछ सही नहीं लगा, बहुत ज़्यादा थक गए। मेरा ये हमारा होटल, ये रेस्टोरेंट और यहाँ पे गार्डन सा भी है एक। ये रहा, एक काम करते हैं यहाँ बैठते हैं 5 मिनट, ठीक है? थक गया। हाँ यही है, लेकिन अभी कोई है नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ ना। अब होटल में ही खाना है तो हम आराम से खाएंगे। हो सकता है अपने रूम की बालकनी में ही खा लें। चले फिर, यहाँ तो कोई भी नहीं। वैसे यहाँ पे ये गार्डन है, सिटिंग का भी है। चलो फिर चलते हैं, ऊपर ही मिलते हैं वहाँ से। ये हमारा होटल का वाटर गेट, सही है। तो भाई एट द एंड होटल के रेस्टोरेंट ही आए हैं खाने के लिए। अग्रिम क्या मंगाया सर? वेज में क्या मंगाया? पता नहीं, तंदूरी आइटम मंगाई है। ये ऐसा होटल का रेस्टोरेंट है। हमारा स्नैक्स हो गया है और शोर हो रहा है। हमने खाया तंदूरी कुछ और सही था, टेस्टी था। अब हमने नेक्स्ट चाइनीज ऑर्डर किया है, वेज फ्राइड राइस और मंचूरियन ग्रेवी। तो वो देखते हैं और बस इतनी ही बुक थी, थोड़ा बहुत खा के अब हम चलेंगे और सुबह की डिसाइड करेंगे कि सुबह कहाँ जाना है। बाकी देख लो आप भी रेस्टोरेंट का कैसा हो रहा है, बताओ खा के। अभी तो नहीं, टेस्ट के दिखाओ पहले। मंचूरियन राइस तो सही लगे। चलो खाते हैं, मिलते हैं फिर। गुड मॉर्निंग गाइस, सो मेरी शक्ल अभी ऐसी हो रही है, सोते उठे हम और ब्रेकफास्ट कर लिया है और हमने अभी चाय पी ली है, बालकनी बैठे हैं और अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है बालकनी में। ऐसा कुछ है बालकनी का, थोड़ी थोड़ी सी ठंड हो रही है और हम यहाँ बैठे हैं। और हमारे कप चाय पी चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 6, जल्दी उठ गए आज हम। अब देखते हैं, अब प्लान करते हैं आगे, आज हम कैसे कहाँ जाएंगे और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तैयार होके कुछ सोचा कहाँ जाएंगे? ठीक है फिर, नौकुचियाताल जाएंगे फिर आपसे मिलेंगे। हाय गाइस, और हम अपने होटल से निकल गए थे एंड हम पहुँच गए हैं नौकुचियाताल। यहाँ पे वो शिकारा वाली बोटिंग होती है, ये भी बहुत लंबी है। और चले
चल देखते हैं वोटिंग कितने की है। मैगी मोमोज चश्मा ले लिया आपने अपने। सो सिर्फ यहीं पर ही ये शिकारा वाली बोटिंग होती है और क्योंकि धूप हो रही है तो हमने सोचा हम वही करेंगे। ओपन बोट में तो गर्मी लगेगी। यहाँ पर ये रेस्टोरेंट्स हैं छोटे छोटे, यहाँ पे कुछ खाएंगे मैगी वैगी, तब तक देखते हैं हम राइस वगैरह कहाँ से। यहाँ से नीचे जाके है ना शायद, आप इन ये वाले कपड़ों में करोगे फोटोशूट ऐसे। ये बहुत सही लग रहा है, सही नहीं लग रहा ना रे क्या लोग यहाँ। ये डॉगी बैठा एंजॉय कर रहा है। आ गई कश्मीर वाली बोट। बहुत ही शांत लेकर मस्त हवा चल रही है ठंडी ठंडी। वो वाली वो कर रहे हैं बोटिंग, क्या बोलते हैं इसको, कायाकिंग। अभी तो इनका नंबर है, हम भी देखते हैं। और दूसरा छोटा भी है कोई, कितने टाइम क्या है, टाइम नहीं है कुछ जैसे। अच्छा करें 400 वाले ही करते हैं। पर्दे लगा दो गाड़ी। पूछिया ताल के वहाँ बताओ नौ कोने हैं इस ताल के, गिनवाओ। जिसने नौ कोने देख लिए वो मोक्ष प्राप्ति होगी उसकी। एक साथ ड्रोन कैमरा से देख सकते, एक हो रहा ये जगह तो होगी जहाँ से एक साथ देख सकते हो। दूसरा किसी की मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती यार, इंदिरा गांधी ने तो कार्ड ऐसे कर रखे थे वो भी कट गए होंगे उसके मोक्ष। नोवे बोटिंग सही थी, फिर से पैडल वाली। कल से बोटिंग ही कर रहे हैं हम। अगर पीसफुल चाहिए तो सही है यहाँ, है ना। होटल्स भी हैं थोड़े बहुत। बहुत की दाल लेनी है, मम्मी ने फोन करके पूछ लो कौन सी लेनी है। मम्मी को बताने नहीं है ना इसमें सरप्राइज। ठीक है, क्या व्हाट्स नेक्स्ट बताओ, क्या करना है आगे बताओ।
देखते हैं आप कहीं भीमताल चलते हैं वहाँ कैसे घूमते हैं, कुछ खाया नहीं जो मेन लेक है वहाँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैगी खाते हैं मैगी। ये ड्रेस पहन के फोटो तो खिंचवा लो आप। दरबान नहीं बनना मुझे, मैं भी नहीं पहन रही। गाइज अब हम निकल गए हैं यहाँ से यानी लेक से, और अब हम वापस जा रहे हैं भीमताल। पहले कमल ताल दिखाएंगे बीच में, कमल ताल कमल है ही नहीं उसमें, दिखाते कमल ही कमल है, दिखाता हूँ। चलो दिखाते हैं, उसके बाद हम वापसी भीमताल की ओर जा रहे हैं, कुछ खाते पीते हैं। बाय। कमल थोड़ी थोड़ी ना, कमल के फूल होते हैं इधर जो कि अभी तालाब है, कमल तालाब। ये वही है यार, भीम ताल ही है, ये वही है भीम ताल ही है। सॉरी दूसरी वाली ताल जो थी अभी, वही ताल है। नहीं, ये तो तालाब है। अच्छा हाँ, उधर कोने में है। और हाँ, वो हरे हरे पत्ते दिख रहे हैं जो अभी हो गए नहीं है, मौसम नहीं हुआ ये ना। गाइस देखिए हम पैदल जा रहे हैं क्योंकि एक बार हम गाड़ी ला चुके हैं और यहाँ फंस चुके हैं बड़े गंदे वाला। ये रहे पहाड़, ये छोटी सी मार्केट है, ये रोड है, ये अग्रिम है, अग्रिम हवा चल रही है। हम जा रहे हैं पहाड़ी डाले, मम्मी के लिए पहाड़ी डाले लेने जा रहे हैं, और मम्मी की शादी करवानी है तो पिछोड़ी लेने जा रहे हैं। कितने की अभी ये वाले 1600 का दुकान खोल लेगी उसमें तुम्हारे गोहत पानी गोहत वगैरह भी रखे कि भाई लोग तो चेत दिल्ली से आए हैं ना, बहुत क्या है भट वगैरह है ये पन्नी में डाल दूं भैया, पन्नी में डाल दो भैया, पन्नी में डाल दो। मेरा काम हुआ नहीं वो अभी तक, सही लग रही है वैसे फोटो में। यहाँ पर ये सी लगा ना, कैरेक्टर का नाम बहुत तो गाइस हमने पिछोड़ा भी ले लिया है और पहाड़ी दालें भी ले ली हैं, गहत की और भटकी दाल लिया, और क्या लिया, एक चाय पत्ती लिया, शंकर चाय पत्ती। अब वो क्यों लिया पता नहीं, बस ले ली। अब हम जा रहे हैं मिठाई लेंगे, अब हम जा रहे हैं लंच करने यहाँ पे वैरायटी रेस्टोरेंट में। यही तो है। से दाने दाने से क्यों है, ऊपर जाने का जाते हुए देखेंगे। मच्छी उधर बैठे कौन है। अब हमने ऑर्डर कर दिया है और भूख लग रही है, भूख लग रही है, खाना खा के मिलते हैं सीधा। ठीक है,
लग रहा है खाना सही नहीं आएगा, नीचे चल के देखते हैं। अबे कैसे जाऊं? हो गया हमारा लंच और बहुत ही बढ़िया था, है ना? बहुत मस्त था, सबसे बढ़िया आज। तो हम रिकमेंड करेंगे, आप आओ तो यहाँ पर जरूर जाओ। वैरायटी रेस्टोरेंट में इंडियन फूड अमेजिंग है। और अब जब से हम निकले तब से हम कम से कम 50 लोगों से पूछ चुके हैं, पहाड़ी दाल कहाँ मिलेगी, पहाड़ी दाल कहाँ मिलेगी, पहाड़ी दाल कहाँ मिलेगी, और पहाड़ों में पहाड़ी दाल ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि गांव में मिलेगी, गांव में बटर सब मिल रहा है, तंदूरी आइटम्स मिल रहे हैं, नॉर्थ इंडियन फूड मिल रहा है, या चाइनीज में मिल रहा है, लेकिन चाइनीज में मिल रहा है, पहाड़ों में पहाड़ी खाना नहीं मिल रहा है, ना खाने के लिए है और ना ही पैक कर ले जाने के लिए, जो दालें वगैरह होती है वो भी नहीं। अब ढूंढते हैं और स्ट्रगल करते हैं, थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं फिर निकलते हैं वापस। ओके बाय। वाटर गेट, गर्मी हो रही है। ये लिफ्ट मांगने के लिए खड़े हो, आपको कौन लिफ्ट दे रहा है? मिल जाती है। गर्मी हो रही है गाइस, हमने ले लिया आइसक्रीम। एक तो यहाँ चलना मुश्किल है। अब हम अपने होटल जा रहे हैं। ये देखो सामान, मजदूरी चल रही है, कुछ ले लिया हमने। अब हम होटल जाके आपको दिखाते हैं। हाय गाइस, शाम हो चुकी है, सनसेट हो चुका है, बड़े पहाड़ है और हम एंजॉय कर रहे हैं। पकौड़े भाई है और ये चाय है, अभी गर्म है। फिर कैसा रहा ट्रिप? तो बहुत अच्छा रहा। अब हम नहीं जा रहे हैं उधर, क्योंकि हम जाते हैं ऊपर नीचे जाते आते हैं, तो कुछ खाएंगे थोड़ा बहुत, फिर सीधा कल निकलेंगे। तो रात का खाना इसके बाद भूख लगी, देखते हैं। सारे पनीर का मंगाया हमने, चलो अगर जाएंगे तो दिखा देंगे कुछ। गुड मॉर्निंग, और हम निकल चुके हैं अब, लास्ट टाइम अब झील को देख रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तब देखेंगे। टाइम हो रहा है 7, अब मेरे ख्याल से हम सही टाइम पे निकल गए हैं। क्या तब दो तो बचेंगे, दो ढाई, दो ढाई कह रहे हो आप, मुझे 4-5 लग रहा है। बीच में हम ब्रेक भी लेंगे एक दो, चलते हैं फिर। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और नेगी एंड फैमिली वाला कैसे बोलते हैं उसका बच्चा बताओ। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब, लाइक कर दो रे, और सब्सक्राइब कर दो रे। चलो बाय गाइस, बंदर देख लो रे, इधर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। यार थोड़े से वो ले लो, माल्टा, थोड़ी सी खुमानी ले लो। अरे अरे मैं बांट दूंगी स्कूल में, पहाड़ी तो यही है, दो फ्रूट, लीची भी ले लो, ले लो जल्दी। तरबूज पता नहीं कैसा वाला है यार, फ्रेश वाला जी का है ना।
बंदर बंदर नहीं खा रहे आप भी है? खा रहे हैं है? वो खा रहा है तरबूज वो बैठा यार सही होगी ना बिल्कुल सूखी लीची है पानी नहीं गर्म ले लो और हो ना हो क्या करें वो ले गया उठा के मुझे लो खा के देखो खा के तो देखो सही है आलू बुखारे रखती है क्या लिया तरबूज ले रहा हूँ तुम बढ़िया दियो यार पापा डांटेंगे मेरे पापा ही लाते हैं फ्रूट भैया की वीडियो बना लो यूट्यूब पे डालेंगे अरे तो छोटा सा क्या है लो ले लो फिर भाई एक और दे दे ये तो कट गया हे गाइस वी आर बैक और हम यहाँ करीब करीब 40 मिनट से जाम में फंसे हैं यहाँ पे गंगा नदी है ये जाने का है रास्ता यहाँ पूरा जाम लगा हुआ है और ये देखो आने वाले रास्ते को भी पूरा जाने वाले लोगों ने कवर कर दिया है ये हाईवे भी जाम है ये हाईवे भी जाम है पता नहीं हम कैसे पहुंचेंगे और कब सर दर्द हो गया ठीक हो आप हालत ख़राब हो रखी है आप पता नहीं आज क्या है जो इतना जाम हो रखा है ओके बाय और ऊपर से ये ट्रक देखो ओवरलोडेड किस पे गिर जाए कब पता नहीं चलो बाय हम निकलते हैं थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं आप